गाइस दिस इज आवर होस्ट हर्षम दौड़िया, होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा, हम अभी हम आ रहे थे ग्वालियर फोर्ट पे। सो अभी मैंने उन कहते हैं गार्ड अंकल से पूछा, तो एक कालू टैलेंट है द बॉय। सो वो 7 languages जानता है और बहुत अच्छा है, वो गाइडर है। तो वो अभी यहाँ पे है नहीं और किले अभी बंद है मेरे को मालूम पड़ा, और 1 तारीख को खुलेगा शायद एक के बाद। सो हमारा फोफट हो गया आने का, पर मैं आपको दिखाऊंगा, बाहर से ही दिखाऊंगा पूरा किले में जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी मेन चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम खड़े हैं पार्किंग में, अभी हम जैसे कि पार्किंग में खड़े हैं, वही खड़ी हमारी गाड़ी। तो अभी हम जा रहे हैं महल के पास, तो आपको मिलते हैं हम महल के पास। ये देखिए, ये एंट्री के एंट्री से ही देखिए यहाँ पर मैप बना है पूरे किले का। ये देखिए, ये स्टोन के ऊपर बना हुआ है, इसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे लिखा है पर्यटक से निवेदन, अच्छा ये रूल्स हैं यहाँ के, जो भी कुछ आप देख सकते हैं पॉज करके। सो ये है एंट्री, तो अभी हम जा रहे हैं ऐसे देखने। सो आपको मैं मिलता हूँ महल के पास। देखिए कितना अच्छा महल है, ये देखिए कितना शानदार लग रहा है यहाँ से। और ये अभी मैं आपको बैक साइड दिखा रहा हूँ इसका, इसकी फ्रंट अभी मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे म्यूज़ियम है ये सामने, तो अभी सब बंद है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। और वहाँ पे एक कुआ है बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और बस अभी आपको मैं इसको फ्रंट से दिखाता हूँ, उस तरफ भी बहुत सारी अच्छे लोकेशन है वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये देखिए गाइस कितना, ये है फ्रंट और ये फ्रंट गेट है। हम बैक साइड से आए थे रुवाई गेट से, ये किला गेट की साइड है, ये यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ से घोड़े आते थे पहले। और ये गेट है, ये आप देख सकते हैं ये गेट है, और ये महल है। और ये देखिए लड़का कहाँ बैठा है, जाली टूटी है और अगर गिर जाएगा फिर क्या, तो सेफ्टी अपने हाथ में ही है। और गाइस ये देखिए कितना शानदार लग रहा है ग्वालियर। वाइज अगर आप ग्वालियर के नहीं हैं तो आप ग्वालियर फोर्ट ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा है ग्वालियर फोर्ट। और यहाँ पे मॉर्निंग में कभी कभार मैं आता हूँ जॉगिंग के लिए, तो यहाँ बहुत अच्छी हवा चलती है, तो यहाँ बैठ रहते हैं। और देखिए कितना बड़ा है, उस साइड भी है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से रूसिंग स्टेडियम भी दिखाई देता है, तो अभी मैं आपको रूसिंग स्टेडियम दिखाता हूँ, उसकी लाइट्स दिखाई देती हैं मतलब बड़ी बड़ी। और सिटी सेंटर देखो आप, ये देखिए आप, ये देखिए लाइट्स दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हो। तो ये रूप सिंह स्टेडियम, और ये बैक साइड है, तो उस तरफ सिटी सेंटर है। और बस यही है, और आपको अभी हम दिखाएंगे उस साइड में जाता हूँ, उस साइड जहाँ से एंट्री होती है इस महल की, उस तरफ जाता हूँ मैं। उस तरफ और कुछ होगा दिखाने लायक तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो अभी मिलता हूँ आपको उस तरफ। तो आप सात पोल का मंदिर देख सकते हैं, ये अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे, आपको हम पास से दिखाएंगे। और यहाँ पे गुरुद्वारा है, अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। और ये है, ये देखिए ये ईगल उड़ रही है, देखो ये देखिए ईगल उड़ रही है, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से। अरे यार कितनी बड़ी है यार, ये देखिए गाइस मेरे गाइस। तो अभी मैं आपको पहले मैं महल के पीछे वाला दिखाता हूँ, फिर मैं आपको वहाँ पे एहसास होकर मंदिर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको गुरुद्वारा दिखाऊंगा। तो आप देखिए the fan mess what they call me I promise that you never be lonely the fan mess what they call me I promise that you never be lonely the fan mess what they call me I promise that you never be lonely ye hai main entry mail ki ye dekhiye aap ye main entry hai aur ye dekhiye mail और तो अभी हम जा रहे हैं इस तरफ। ये देखिए गाइस ये है म्यूज़ियम, ये म्यूज़ियम की एंट्री है।
तो अभी हम उस... तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। ये देखिए गाइस, ये है, यहाँ से अंदर जाने की एंट्री होती है और वहाँ पे वो गार्ड हैं, वो बोल रहे हैं अंदर अंदर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो। सो यही है पूरा, यहाँ से एंट्री होती है और ये महल है। हाँ ये वो, ये तोपे रखी हैं गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत पुरानी है और अंदर भी बहुत कुछ है। अभी बंद है इसलिए हम कुछ दिखा नहीं सकते आपको, तो आप यही देखिए। तो जिस दिन अंदर, 1 तारीख के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, तो बस यही दिखाना था अंकल, यही शूट करना था बस। तो अभी हम जो अंदर कुएं के पास जा रहे थे, पर यहाँ पे गेट में लॉक लगा है, वो गार्ड अंकल बैठे हैं तो मना कर रहे हैं, बंद है अभी। और मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई है, गर्मी बहुत है और डबल डबल मास्क लगाया हूँ, मास्क भी ज़रूरी है लगाना, इसलिए मेरा दम घुट रहा है बहुत। सो अभी हम जा रहे हैं सास बहू के मंदिर, जो कि मैं आपको बाहर से दिखा पाऊँगा क्योंकि अंदर नहीं जा सकते। अब मैं आया हूँ तो कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा। सो अभी मैं आपको मिलता हूँ सास बहू के मंदिर पे। सो बस मिलता हूँ, बहुत हालत ख़राब है। तो ये है सास बहू का मंदिर, तो इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, ये सास का है या ये सास का है। मुझे लगता है ये सास का है, वो बहू का है, तो गार्डर नहीं है साथ में, इसलिए मेरे को मिस्टेक हो रही है। तो जिन लोगों को मालूम है वो कमेंट में बता दे कि कौन सा, देखो बड़ा वाला सास का है या बहू का है, आप ये मेरे को बताना कमेंट में, या छोटा वाला बहुओं का है ये बताना आप मुझे। तो अभी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ये गार्ड वगैरह बैठे हैं, सो अंदर तो जाने नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा से बना हुआ है, ये देखिए। और वो देखो, हाँ मेरे को कंफर्म यही है कि ये सास का है और ये बहू का है, बस यही था। और ये पार्किंग है यहाँ की, ये गाड़ी है अपनी गाड़ी, और बस और यही था। और अंदर बहुत अच्छा गार्डन है, सो जब खुलेगा तो और मज़ा आएगा घूमने में। सो ये आपको मैं दिखा दिया। सो अब हम जाएंगे गुरुद्वारे, तो अब हम आपको मिलते हैं गुरुद्वारे पे। तो अभी मैंने यहाँ पे गुरुद्वारे पे ऑफिस से, ऑफिस वालों से, अंकल वगैरह से पूछ लिया है कि क्या हम शूट कर सकते हैं, तो उन्होंने बोला है कि आप अंदर से शूट नहीं कर सकते, बाहर से कर सकते हैं, वो भी आपको एडिटिंग में साउंड नहीं लगाना है। सो बस आपको मैं बाहर बाहर से दिखा दूँगा। ओके ओके, अंकल बोल रहे हैं सिर पे कपड़ा लगाते हैं अपन, वो लगाना है वो लगा लेना, इसलिए उन्होंने आवाज़ दी थी। सो अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, सो आप देखिए। The Pope and the President too, and the fancy grand banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. The truth of the matter is everybody poops. तो अब हमने हैंड्स भी वॉश कर लिए हैं और ये भी बांध लिया है, और अब हम अंदर एंटर कर रहे हैं। तो मैं अंदर का शूट नहीं कर पाऊँगा, बस आपको बाहर बाहर से दिखा दूँगा। तो स्टार्टिंग में ये देखिए आप, अब आप देखिए पूरा क्या, कैसे मैं जाता हूँ, कैसे क्या है, तो आप देखिए। तो गाइस हम अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ये है पूरा कैंपस इनका। सो अभी हम मिलते हैं आपको अंदर दर्शन करने के बाद। अभी मैं प्रसाद लाना भूल गया हूँ, तो अभी मैं प्रसाद लेता हूँ, फिर अभी मैं प्रसाद लेने जा रहा हूँ सामने। सो हलवा होता है यहाँ पे प्रसाद में, तो अभी मैं प्रसाद लेने के बाद, अंदर जाने के बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ और दिखाता हूँ। तो हमने अंदर दर्शन कर लिए हैं,
बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके और यहाँ आकर। गाइस बहुत साफ सफाई रहती है यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत साफ सफाई रहती है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। और यहाँ पे एक तालाब भी है, ये देखिए यहाँ पे फिशेस भी हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ फिशेस भी हैं। और यहाँ पे नहाते भी हैं लोग, नहाते भी हैं। और नीचे जाने की रास्ता भी है पर हम जाएंगे नहीं क्योंकि अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम अंदर जाएंगे नहीं। और ये पार्किंग है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत अच्छा रहता है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत सफाई साफ सफाई है। तो अभी मैं 5 मिनट हो गए हैं बैठे बैठे, 5-10 मिनट, बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी शांति है। और मैं क्या बताऊँ आपको, मैं और मंदिरों में जाता हूँ तो बहुत गंदगी रहती है वहाँ पे, मतलब उधर 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 इधर पत्थर टोने मालाएं वगैरह डली रहती हैं। मतलब यहाँ पे आके क्या मेरे को बहुत अच्छा लगता है, साफ सफाई देखिए आप कितनी अच्छी है और शांति है एकदम, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सारे मंदिर अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और साफ़ सफाई बहुत रहती है, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं घर पे। सो अभी आपको, अब मैं सीधे घर पे ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। और अब आए तो हम बहुत वीडियो बनाने के लिए थे पर यहाँ पे बंद है सब कुछ, और 15 तारीख के बाद ही खुलेगा। सो और गार्डन नहीं मिला, द कालू आइलैंड वो मिला ही नहीं, सो इसलिए हम कुछ ही का हम थोड़े दिखा पाए। और फिर हम बाद में दिखाएंगे जब हम गाइड करेंगे, गाइड रख लेंगे उसको, वही आप हमें दिखाएगा पूरा पूरा, आप हमको समझाएगा। सो अब हम घर चलते हैं घर पे, तो अब मैं आपको मिलता हूँ घर पे। तो अभी मैं, जैसे हम गुरुद्वारे से बाहर जाते हैं निकलते हैं, सो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं। यहाँ पे तलवार और कहते हैं अपने ये और कड़े वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, गन्स वगैरह हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए आप, और ये बेसबॉल हैं, और भी पिक्चर्स हैं, तस्वीर वगैरह हैं, और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अभी आप देखें, और ये कटार वगैरह हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये कड़े हैं, और ये देखिए कड़े तलवार हैं। सो यहाँ बहुत अच्छा अच्छा है, और यहाँ पे ट्रैक्टर भी है आप देख सकते हैं वो। सो अभी आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा, लूँगा बाद में लूँगा। देखिए अंकल का नाम क्या था, गुप्ती। गाइस इसमें अंदर कर इसको पूरा कर दे। गाइस देखिए, ये दिखने में तो है डंडा लग टाइप लगता है, और अब निकालोगे तो बताओ कितना बड़ा चाकू टाइप का है ये। गाइस मेरा ये लेने का मन कर रहा है, ये बहुत अच्छे हैं, ये हैवी भी हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में। सो मैं देखता हूँ अभी अंकल की सही प्राइस लगाते हैं तो मैं लूँगा, और बहुत अच्छा अच्छा है, मैं इसको भी लूँगा, ये भी बहुत अच्छा है, ये पूरा स्टील का है मतलब ये। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मैं क्या क्या दिखाऊंगा आपको, मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया था जितना था, और भी ऐसे थे खिलौने टाइप के हैं और भी हैं। सो बस यही था, तो मैंने आपको यही दिखाना था, तो अब मैं आपको मिलता हूँ घर पे। तो अभी हमने ये ले लिया, ये बेसबॉल, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं ये ले लिया है, बस ये दिखाना था आपको। अब मैं चलो, अब मैं कितने बार बोल चुका मिलते हैं घर पे, तो मेरे को शॉप मिल गई और मैंने ये ले लिया, तो मैं बस मेरे को आपको ये दिखाना था, तो बस अब मैं आपको फाइनली घर पे मिलता हूँ। गाइस ये देखिए, ये सिंधिया स्कूल का फुटबॉल ग्राउंड है, देखिए कितना बड़ा है ये, बहुत बड़ा है ये, मतलब मेरे स्कूल से तो बड़ा ही होगा, मेरे स्कूल के ग्राउंड से तो बड़ा ही होगा, पता नहीं कंफर्म नहीं है मेरे स्कूल से बड़ा है कि नहीं, मुझे तो एक ही लगता है भाई। ये दिखाना था,
और चलो अब मैं घर पे आ चुका हूँ। बहुत धूप थी आज, मैं थक गया बहुत, तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब मैं और आज मैं बस ये इसलिए शूट नहीं कर पाया क्योंकि गाइडर नहीं था वहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो जब खुल जाएगा किला तो वहाँ पे गाइडर होंगे तो मैं अच्छे से दिखाऊँगा। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।